कल से शुरू हुए इंडियन आइडल 13 के ऑडिशंस, आई इतने हजारों की भीड़ कि दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम भी छोटा पड़ गया। कंटेस्टेंट्स इतने थे कि जजेस ने घर से बोरिया बिस्तर मंगवा लिया। मैं अपना स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ, मुझे यहाँ पे आई नीड टू जस्ट टेक अ नैप। I have two requests. एक तो ये लाइट बंद करो और दूसरी हिमेश की माइक बंद करो। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। देखो पकड़ो यार, घड़ी के कांटे भागे। मिया जी। उठिए उठिए, ऑडिशन का टाइम हो गया है। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। कितनी जान लोगे? कितने बुरे हो तुम लोग। मुझे घर जाना। भीतर एक शानदार शुभारंभ हुआ दूसरे दिन का, और बाहर आरंभ हुआ हजारों के हुजूम के आने का। ये संख्या इतनी अधिक थी कि लगा जैसे कोई छोटा मोटा देश ऑडिशंस के लिए उमड़ पड़ा हो। I love bead. यहाँ पे भीड़ कम हो गई है सर। हाँ, एब्सोल्युटली। ये क्या सीन है? जो मतलब बाहर खड़े हैं, जितने सारे एक एक करके भेजिए, और अगर नेहा मिल जाए पहले नेहा को भेजिए यार। अरे क्या बात है, कोई रूह की याद आ रही है। याद आने से, तेरे जाने से, जान जा रही है। I'm sorry, ये गलत बात है। ये जान जाने वाली बात, ये रूह पे डालना, ये गलत है। एक चीज है आईपैड करके, उसमें फेस टाइम होता है। एक बात बताओ, शूट करते करते अब मैं फेस टाइम करूं? मतलब ये तो मेरे सामने रखे हैं ना, दिस इज मोर इजी। मैं तो आई टेल यू वन मोर थिंग, ये रोमांटिक ही नहीं है इंसान, मैं क्या करूं? कुछ मत कर, मारो मत, मारो मत। इश्क, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, इन्हीं चीजों के लिए हर म्यूजिशियन जीता है, इन्हीं चीजों से म्यूजिक बनती है। लेकिन आज जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जी रहे हैं वो ऑडिशन है। सर बुलाओ सर। सत श्री अकाल जजेस। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं? कहां से हैं आप? अमृतसर, पंजाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूपम भरनारिया। भरनारिया, बाहर भीड़ बहुत थी ना? बहुत बहुत ना। वो जो आप बैग्स लाई हैं, उसमें जानने की क्या एक्साइटमेंट है। अमृतसर से आई हैं? जी हाँ जी। तो छोले बोले, कुछ तो सीन होगा ना? आप पहले गालो, उसके बाद देखूंगी क्या है। जी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रघुपति राघव राजा, राम लीला राम लीला राम लीला राम। राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। ए राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा दे
पावरफुल वॉइस यार। उफ, शुरुआत जब की तो ऐसे मतलब रोंगटे ही खड़े हो गए। पंजाब दी आवाज, हाय हाय हाय, कमाल। दिस फैंटास्टिक बैग और व्हाट इज इट? सर एक्चुअली त्यागराज से सरोजनी मार्केट सिर्फ 9 मिनट की दूरी पे था, तो ऑडिशंस में टाइम था, तो मैंने सोचा कि सरोजनी गई थी तो अब समझ आया। बहुत सारे झुमके, कुर्ती, इनफैक्ट ये बैंगल्स मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने अपने अटायर के हिसाब से ये भी खरीदी। ये बैंगल्स अभी खरीदी? वाओ यार, बड़ी अच्छी कलेक्शन है वहाँ पे ना, मुझे भी जाना था। दिखाओ ना क्या क्या लाई हो। दिखाऊं? दिखाओ ना। ठीक है, मैं जाना चाहती थी सरोजनी मार्केट पर, हो नहीं पाया। कुछ लाई हो यार? मेरे पास शॉपिंग, ये पता है मैंने बहुत सारे झुमके खरीदे हैं। झुमके? वाओ, सब बैग भर के झुमके कौन खरीदता है यार? मैं। ओह हाउ प्रिटी, कितना सुंदर है, कितने का लिया आप? गेस करो कितने का होगा? 3000? ये मैंने सिर्फ 100 रुपए में खरीदा। ये तो काफी महंगा होगा। बिशु, यहाँ शॉपिंग हो रही है, यहाँ पर ऑडिशन थोड़ी हो रही है। ओह नो वे, ये वहाँ से लिया है? कितना सुंदर, दिस मस्ट बी रियली एक्सपेंसिव। आप बताओ ना कितने का होगा? देखो अगर मैं सरोजनी मार्केट के हिसाब से सुन रही हूँ, वहाँ पे क्योंकि सस्ता मिलता है, हमें वॉक करके आते हैं, आप आइए। 5-6 हज़ार सच बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ 300 का है। सिर्फ 3 सर चले। I'm sorry, I forgot आदि की जान खतरे में। But wow यार, I wish मैं जा पाती। रूपम जी क्या आप लीजिए, अपने बैग लीजिए, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है और खुशियां मनाते हुए। मैं पीछे आती हूँ, I'll check everything। ये कितने का होगा? ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये दिख रहा है आपको? Oh God! Golden ticket and here you go! आप मुंबई में रहती हैं या मुंबई ऑडिशन देने आई हैं? एक्चुअली मैं हूँ कोलकाता से, लेकिन पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे ही हूँ और कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली लॉकडाउन में एक ऐसा फ्रेज़ आया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ वर्थ नहीं है फैमिली के बिना। बहुत सही बात, बहुत सही बात। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि जब मैं मुंबई में आई, एक अपॉर्चुनिटी मिली सोनी टीवी की तरफ से, एक सीरियल आता है सोनी टीवी में, यशोमती मैया की नंदलाला। अच्छा। तो उसमें यशोमती मैया का और धरा माँ का, पिछले जन्म का, जो भी जितने भी गाने हैं उनके वॉइस में मेरे गाने हैं, मतलब मैं गा रही हूँ। बहुत ब्लेस फील करती हूँ। तो फिर तो आप ऑलरेडी काम कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है। तो आपने ये यहाँ आने का क्या, कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? इंडियन आइडल मंच मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे महारथी यहाँ से बने हैं। Very excited to hear you, Shenjuti. All the best. Thank you, sir. Roll, good luck, Shenjuti. Thank you, sir.
बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, अच्छी सिंगर हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या गा रहे हो आज? सर मैं सदमा फिल्म से माइंड ब्लोइंग। या है जिंदगी गले लगा ले, क्या बात है। है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी साया था आँखों में आया था, हमने दो बूंदों से मंदिर लिया। बात है। छोटा सा साया था आँखों में आया था, हमने दो बूंदों से मंदिर लिया, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना। है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। यार पापा शिवम, तुम्हारे सुर क्या लगते हैं यार, क्लीन सुर है तुम्हारे यार। थैंक यू सो मच सर। प्रिसाइज, जो हर नोट को तुम टच करते हो ना, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। क्वालिटी कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल क्वालिटी। थैंक यू सो मच सर।
का दोस्त पापा शिवम, आप उसे बोल रहे हो ना, लेकिन वो सिंगिंग का पापा बनने वाला, याद रखना, इतना ग्रेट है। इस बार इतना सारा टैलेंट आया है कि जजेस खुद को रोक नहीं पाए और टैलेंट एक एक करके अंदर आए, उससे पहले हजारों टैलेंट को देखने जजेस खुद स्टेडियम में चले आए। हाय सर, हेलो। हाय हाय हाय। पद्मिनी कोल्हापुरी की याद नहीं आ रही थोड़ी? वाओ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विदिप्ता चक्रवर्ती। हमारा नाम, अरे वाह, वेरी वेरी प्रिटी, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत सुंदर है आप। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। यहाँ पर जब आई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम राजश्री परिवार का इतना बड़ा गाना गाओगी। जो संस्कार है वो आपकी फैमिली में है, और तुमने जो पहला नोट लगाया और जो सुर में तुमने गाया, हमारे सुरों की श्रुतियाँ जो बोल रही थी कि कण डिविनिटी से भरपूर, और सबसे बड़ी बात थी कि ये पगला है, ये जो लाइन है वो लता जी ने एवरी टाइम इतना ग्रेट गाया है कि उनके आसपास जाना तो नामुमकिन है, लेकिन तुमने वो ये पगला, 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 ये पगला। मैं जेन्युइनली आपका ये परफॉर्मेंस सूरज जी को 100% भेजने वाला हूँ। और ये पिक्चर के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, हम ट्रायल देखने गए थे ये फिल्म का, वो जो फीलिंग उस ट्रायल में मुझे थी कि यार ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, और वही हुआ ऊपर वाले के आशीर्वाद से।
तुम्हारे सिंगिंग के बाद मुझे लगा है कि तुम्हारी करियर बहुत ज्यादा आगे जाएगी और तुम बहुत बरकत करोगी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, गाती भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, प्लीज आइए, हम तीनों की तरफ से हाँ है और गोल्डन टिकट ले जाइए। पर अब जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं उन्होंने वाकई वीआईपी जिंदगी जी, वीआईपी स्टेटस हासिल किया और फिर भी वीसीपी यानी वेरी कॉमन पर्सन की तरह लाइन में लग कर आ रहे हैं ऑडिशंस के लिए। विनीत, हाय, कैन यू बिलीव इट? आई कांट बिलीव इट, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो यार। एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है, मैं आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। ओके सो मेरा नाम विनीत है और सब जानते हैं, सब जानते हैं विनीत को। हाँ है ना। एक्चुअली पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वेर एग्जैक्टली आई एम हेडिंग। विनीत, मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ वापस कि वापस मेरा कमबैक हो। और आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक, टू बी ऑनेस्ट, मैं बैक लखनऊ। यस, लखनऊ। मेरी मॉम को मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ और मैं लखनऊ आ जाऊँ। शी वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है आ जाओ तुम और साथ में रहेंगे, कोई 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 टेंशन नहीं है। तो कुछ ऐसा हुआ फोन पे आई, अरे इट्स ओके मैन, विनीत विनीत सॉरी। I said, are you happy? She's like, no. She said, जब तुम्हारे हाथ में माइक होता है तो मुझे ऐसा लगता है तुम जिंदा हो और आज तुम म्यूजिक छोड़ने की बात कर रहे हो तो मैं ऐसे देख नहीं पाऊंगी तुमको। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ये नहीं कर सकता हूं मैं, मेरा कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं है इस लाइफ का। यहां पर हम एक जज हैं और दूसरी तरफ विनीत लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन होगा उस मोमेंट से कि अगर ज़िंदगी में आपने कोई गलत फैसला लिया है तो आप उस फैसले को बदल कर हार मान लो। वो गलत फैसला था कि कई अच्छे ऑफर्स छोड़ दिए गए नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कि नहीं ये काम छोटा है, ये काम मैं करूँगा जो और अच्छा है क्योंकि मैंने उसकी वो जर्नी देखी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से जागो वहीं सवेरा। क्या बात है, क्या बात। वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूं और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूं।
तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। विनीत, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम मुझसे एक साल पहले ही आए हो, तो मेरे तो थोड़े से बट हुए तो सीनियर ना, मैं आज जज नहीं कर सकती आपको, तो मैं आई एम गोना सपोर्ट यू एज योर फैन कह लो, तो मैं आपको वैसे सपोर्ट करूंगी, मैं कोई जज नहीं करने वाली। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई सिंपथी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नेहा ऑल्सो टू जज मी, बिकॉज नेहा इस लेवल पे आई है, वो अपनी मेहनत से आई है, एंड आप प्लीज मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप बाकियों को करते हो। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। Everybody saying विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ये come on brother, come on. कि विनीत, मैं नॉट एज दोस्त बट राइट नाउ एज जज आपको बहुत बड़ा हाँ देती हूं, और मेरे हाँ के साथ आई एम गोना गिव यू,
आपको पता ही है वैसे कि गोल्डन टिकट मिल गोल्डन टिकट मिलने वाला है गोल्डन हेलो मैम हेलो सर हेलो सर क्या नाम है आपका चिराग कोतवाल चिराग जैसे आप प्रिडिक्ट करते हैं ना मैं भी कुछ प्रिडिक्ट करने वाली हूँ करो 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 चिराग आपकी स्माइल से ऐसा लग रहा है दैट यू आर इन लव मैम लव तो मैम होता रहता है मैम पता नहीं होता रहता है ये बंदा मुझे समझता है ये तो बहुत गलत बात है कि होता रहता है का क्या मतलब है सर किसी से भी हो जाता है प्यार तो हम किसी सिर्फ... से भी हो जाता है क्या है यार व्हाट इज दिस ये आपके जैसा एक और आ गया यहाँ पर ऐसे प्रायोरिटीज रहती हैं लिस्ट है लिस्ट हाँ लिस्ट है लिस्ट में प्रायोरिटीज रहती है मैम नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर ऐसे क्या इस तरह की बातें करोगे मेरे दोस्त बताइए देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ ये बहुत पते की बात है ध्यान से ओके समझिए मेरी बात जी सर आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर हो वो तो सब देख रही होंगी अगर सब हैं तो वो सब देख रही कोड़े पड़ेंगे कोड़े बस लड़कियों का चीखना हो गया शुरू performances yaar one of the finest performances of this audition yaar outstanding thank you sir kya baat hai tum to bahut emotional kism ke aadmi ho wo jo dekh rahi hogi hi ab bhi shaadi karo yaar tum se please yaar yeah,
इंडियन आइडल ऑडिशन केंद्र में 9000 लोगों ने एडमिशन करने की कोशिश की, लेकिन 8913 लोगों के लिए ये सपना खत्म और सिर्फ 87 लोगों को एडमिशन मिला। बस लेट्स गो बॉयज। आज का दिन खत्म होते होते खत्म हुआ इंडियन आइडल 13 के ऑडिशन का दूसरा दिन, और हमें मिले एक से बढ़कर एक धमाकेदार कंटेस्टेंट। गले से लगाया है ना दिल दीवाना, क्या बात है, वाह, दिल सजना की माने ना, वाह, ये पगला है समझाने से समझे ना, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। और अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे इंडियन आइडल 13 के ऑडिशन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.